Good morning, India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो गाइज यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को लेके थोड़ा सा, और आज की क्लास ही थोड़ी सी डिले हुई है। कल से 5 o'clock रहेगा ना, कल से आपका क्लास 5 o'clock रहेगा, आज 5:30 अपन स्टार्ट करें। तो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है, सीधा क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। और एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे कि जो लोग आरपीएफ के हैं उनका एनालिसिस आज के अपन करने लग रहे हैं यहाँ पे एसआई कांस्टेबल का, तो वो आपका 6:30 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, और आज के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराने हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे साइंटिफिक नेम वगैरह से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपका देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे। ओके राइट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का, विच साइंटिस्ट नेम इज कौन सा है आपके पास, कौन सा है, एनर्जी लगा दो, आप ये वाला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, है ना। ओके राइट, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन ओवर वर्टिकली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉलोइंग ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। एक गेंद को अगर लंबवत पूर्वक ऊपर फेंके जाने पे उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि या भौतिक मात्रा अचर रहती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट फिजिकल कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज यहाँ पे नहीं होती है, उसके लिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस के देखिए इसका यहाँ पे क्या है ना कि अपन यहाँ पे फिजिक्स का और बायो का डेली क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। आज आपके यहाँ पे फिजिक्स के और बायो के हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सेक्शन से हमें क्वेश्चन स्टार्ट कराना स्टार्ट करे, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स के लिए भी, तो अपन यहाँ पे डेली तीनों सेक्शन से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम से केमिस्ट्री कर रहे थे, तो आज जो है वो थोड़ा सा फिजिक्स के क्वेश्चन भी करते हैं। लैब असिस्टेंट की आपकी कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं है, कुछ ऐसा आपके राजस्थान की साइट पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए हम सिर्फ एक नॉर्मल टाइम रख के आपको सिर्फ एक क्लास जो है वो कंप्लीट करा रहे। प्रोबेबिलिटी है इसकी मार्च एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में या फिर फरवरी एंड में, ठीक है। ओके राइट, क्वेश्चन देखो आपको क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है, तो क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर्स। आरपीएफ का एनालिसिस आपका 6:30 मैथ्स का हो चुका है, और जनरल नॉलेज का आपका जो एनालिसिस है वो अभी 6:30 बजे आज होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अटेंड करिए आप लोग। राधे बिल्कुल, शंकर कुमार पंडित, यस ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। एनर्जी जो है वो आपकी यहाँ पे अचर रहती है ये मात्रा, या जो फिजिकल क्वांटिटी हम जिसकी बात करें, उसके अलावा इसकी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन डेफिनेटली बदलेगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मेरे ख्याल आपको अंतर समझ आता रहेगा। अगर यहाँ पे हम इसकी दूरी की बात करें हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं ए से बी तक जाने के लिए, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम रहेगा, लेकिन अगर सर्कल की बात कर देते हैं तो डिस्टेंस तो इसके द्वारा कवर किया जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है यहाँ पे, है ना, ऊपर फेंकी जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो बदलाव यहाँ पे होगा ही।
दूसरा यहाँ पे स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी, जैसे ही उस पर फोर्स कम लगता जाएगा ना, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो तो उस टाइम फोर्स उसमें ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो एक तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है, ऊपर से उसमें जो फोर्स है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन त्वरण, जिसको हम अपन इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, त्वरण रहेगा तो वो भी आपका चेंज होगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ना वो एनर्जी रहेगा, ठीक है, एनर्जी रहेगा आपका, बिल्कुल। देखिए पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लोग यहाँ पे आरपीएफ के लोग हैं ना, तो पीडीएफ जहेश भगत पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप पे जाना रहेगा, ऐप पे जाके आप रेलवे सेक्शन में जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन है उस पे यहाँ पे आप जाके कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे आरपीएफ के लिए सुबह भी बहुत बच्चे पूछ रहे थे, रूही जमलिया, बिल्कुल आपका ये जो आरपीएफ का एनालिसिस है वो 6:30 होने वाला है, ठीक है, जीके का। ओके राइट, एनर्जी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चेक द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द रिफ्लेक्शन इज एट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। एक उत्तल लेंस की शक्ति या क्षमता का आपको पता लगाना है, यदि प्रतिबिंब जो बन रहा है, मतलब जो इमेज यहाँ पे बनती है वो 20 सेंटीमीटर बनती है और कन्वेक्स लेंस पूछा है, तो जरा यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन होती है उसको देखिएगा, आपकी साइन कन्वेंशन क्या रहती है कन्वेक्स लेंस की, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से आपको F निकालना है, और उसके बाद डायोप्टर में आपको क्षमता पूछी है। सर इसको थोड़ा सा ना जूम कर दो क्वेश्चन को, हाँ इस वाले को ना, ये दिख नहीं रहे क्योंकि वो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, कर दो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अभी जूम हो गया है क्वेश्चन, अभी आप देखिए बिल्कुल जूम हो रहा है, अभी देखो पावर आपको निकालनी है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की आपको क्षमता बतानी है, अगर रिफ्लेक्शन जो है वो उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज जो बन रही है वो 20 सेंटीमीटर दूर पे बन रही है और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो ये क्या रहेगा इसका, वन डायोप्टर कैसे रहेगा, सेंटीमीटर को मीटर में भी बदलना है, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है आपको। कैलाश चंद यादव बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपका आंसर। सबसे पहले तो आप कन्वेक्स लेंस के लिए देखो, वन अपॉन एफ जो है वो आपका क्या रहता है, वन अपॉन वी प्लस में वन अपॉन यू, ये किसका है, मिरर का है ना, जब आप लेंस में बदलोगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद कन्वेक्स लेंस पूछा हुआ है तो उसके हिसाब से आपको 1/20, राहुल यादव बिल्कुल, 9 डायोप्टर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायोप्टर क्या है, देखो पहली चीज तो क्वेश्चन में आपको एफ की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पूछा यूनिट किस में है, डायोप्टर में आपको पूछी हुई है, तो आपके लेवल पे क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। लेंस की क्षमता को ज्ञात करने के लिए, अगर आपको किसी लेंस की क्षमता को ज्ञात करना है तो उसके लिए आप किस में इसको मेजर करते हो, डायोप्टर में मेजर करते हो, तो फोकल से तो आपको लेंस की दूरी का पता लग गया ना। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, जहाँ पे V जो होती है वो हमारी इमेज यानी कि प्रतिबिंब रहता है, और U जब हम बोलते हैं तो क्या रहता है आपका, वस्तु रहता है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी आपको दी है, पहले आप 1/f से वैल्यू निकालोगे, 1/f से जो वैल्यू आएगी उसमें आपको पता है पावर जो है वो क्या रहता है, 1/f रहती है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का, पावर का 1/f जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो डायोप्टर जो है वो यूनिट होती है किसकी, लेंस की, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 9 डायोप्टर जो है वो 9 डायोप्टर जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी, पीडीएफ क्वेश्चन, पीडीएफ यहाँ पे लिख दो, बोर्ड पे लिख दो, क्यों, देखो पीडीएफ के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुई है, तो मे बी आपने उससे पहले देखा हो, अभी 30-35 मिनट्स ही हुए हैं पीडीएफ को अपलोड होते हुए, अभी आप देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको पूरा पीडीएफ।
बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे. सबसे पहले कैपिटल जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू है उसको किसने निर्धारित किया या किसने ज्ञात किया? हु फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी? फिजिक्स आती नहीं है सिरत अरोड़ा, लेकिन फिजिक्स एग्जाम में तो आती है ना, तो उसके लिए करना तो पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट किया और पहले आपका बेसिक वाले पार्ट के साथ स्टार्ट किया फिजिक्स, ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा हैबिट में आए. अपन उसके बाद जो है ना फिर लेवल बढ़ाएंगे तो चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे. ठीक है, धीरे धीरे इस चीज़ को अपन आगे लेके जाने वाले हैं. हाँ, बॉयले बॉयले तो करेक्ट आंसर नहीं रहेगा आपका. मैंने कैपिटल जी पूछा है, कैपिटल जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट की? बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कैवेंडिश है. बॉयले नहीं याद रखना है आपको. स्मॉल जी के लिए नहीं बात कर रहे अपन, कैपिटल जी के लिए बात कर रहे हैं. तो कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, द सेम जिन्होंने यहाँ पे जो आपका जो आर आर हेले जो आप लिख रहे हो वो स्मॉल जी के लिए आपको याद रखना है. ठीक है, कैपिटल जी की जो वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पे कैवेंडिश ने. देखो एक चीज होता है, कैपिटल जी जो है वैल्यू किसने दिया और उसके बाद उसको उसने किसने उसको कैलकुलेट किया, ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. उसके हिसाब से आप याद रखिए. स्मॉल जी और यहाँ पे कैपिटल जी की जो वैल्यू है ना उसको थोड़ा सा करना है आपको कि कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. तो थोड़ा सा उस तरीके से इसका जो आंसर है आपका वो आपका यहाँ पे रहेगा. कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो आपकी कैवेंडिश के द्वारा दी गई थी. एंड यहाँ पे ग्रेविटी कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कि इसको हम अपन बोलते हैं कैपिटल जी की अगर हम बात करते हैं ना, तो कैवेंडिश ने इसको एक एक्सपेरिमेंट में 1797 मैं आपको बता दूँ, बॉयले ने बहुत लेट में इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन कैवेंडिश ने 1797 और 98 के बीच में इस कैपिटल जी की जो वैल्यू है ना उसको पूरा एक्सपेरिमेंटली ये शो कर दिया था कि जो ये कैपिटल जी है ये कांस्टेंट रहता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच में, जिनका द्रव्यमान अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, मतलब मास जो है वो चेंज भी हो सकता है और मास यहाँ पे सेम भी हो सकता है. तो प्लीज़ करके आगे से हेनरी कैवेंडिश आप याद रखिएगा. उसके बहुत बाद में हेले ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी जब उन्होंने थोड़ा सा स्मॉल जी के साथ जो है वो किया था. ठीक है, तो आर आर हेले आपको स्मॉल जी के लिए याद रखना है, कैपिटल जी के लिए नहीं. ठीक है, आप दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, अगर हमको जी की वैल्यू पूछी जाती है तो क्या रहेगी? 6.67 इंटू 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, पर केजी स्क्वायर नहीं लिखा रहेगा तो -2 जो है वो लिखा रहता है ना, तो उसके हिसाब से आपको आंसर ये करना है. जैसे आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता है ना, स्मॉल जी की वैल्यू अगर आपको पूछी जाती है तो आप उसको जो आपकी स्मॉल जी की वैल्यू है वो क्या रहती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन जब हम इसी चीज़ को यहाँ पे टर्म करते हैं ग्रेविटी कैपिटल जी के लिए, तो आपका जो यूनिट है ना वो आपकी बदल जाती है, 6.67 इंटू 10^-11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आई होप अब आपको ये पूरा याद रहेगा. ठीक है, ये चीज़ जो है वो याद रखनी है आपको. बिल्कुल, यहाँ पे यूनिट आपको पूरी ये प्रॉपरली लर्न करनी पड़ेगी तभी आपका रहेगा. थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको कभी कभी कैलकुलेशन के लिए भी आता है. अभी क्लियर है यहाँ पे वैल्यू वगैरह सब कुछ क्लियर है? ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पे. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? तो अभी आप के एग्जाम में नॉर्मल जो रेजिस्टेंस वगैरह है, डेंसिटी वगैरह इनकी नहीं आती है. जैसे डेंसिटी हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, इनको नहीं छोड़ के आपको जो वैल्यू पूछी जाती है वो आपकी रहती है, ये आपकी रहती है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू है वो. तो रेजिस्टेंस और ये नॉर्मल आपको कोई नहीं पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया. तो आगे की कुछ क्लासेस में मैंने आपको सबसे पहले यूनिट्स और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, कौन सी वैल्यू किसने फाइंड करी, वैल्यू होती क्या है, तो पहले अपन इस पार्ट को क्लियर करेंगे, तब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करने वाले हैं. तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? अब यहाँ पे हो रहा है ना कंफ्यूजन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट पूछी है तो क्या रहेगी? बी, वेबर. टेस्ला नहीं होती है क्या?
बिल्कुल यहाँ पे मीटर पर स्क्वायर और इनकी बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग गलत आंसर दे रहे हो. एक तो आपको ये याद रखना है कि इसमें डिफरेंस क्या है. इसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर. जो आप आंसर दे रहे हो ना, फ्लक्स डेंसिटी की हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको आंसर वेबर पर मीटर स्क्वायर याद रखना है, जिसकी यूनिट टेस्ला होती है. वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला बोलते हैं. तो थोड़ा सा यहाँ पे इस वाली यूनिट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो टेस्ला जो है, ऋतु गोस्वामी, बिल्कुल टेस्ला आपका करेक्ट आंसर है. यहाँ पे चंद्रशेखर गुप्ता, डेफिनेटली डी आपका करेक्ट आंसर है. आगे से याद रखिएगा, कभी आपको टेस्ला लिखा रहता है या कभी आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखा होगा, तो दोनों आपका यहाँ पे सेम है. ठीक है, तो टेस्ला याद रखिए. इनमें मुझे पता है आप मैक्सिमम लोग वेबर आंसर करो और इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. तो आगे की कुछ क्लासेस में सबसे पहले मैं आपका ये जो यूनिट्स को लेके कन्फ्यूजन है ना, वो ख़त्म करती हूँ. इसका आंसर टेस्ला, ठीक है, अब गलत नहीं रहेगा. अगला देखिए क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड. प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए कौन से यंत्र को इस्तेमाल करते हैं या यंत्र को क्या कहा जाता है. चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, डिवाइस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड. प्रकाश की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है. मेरा नाम क्या है, मेरा नाम यह लिखा है नीचे, इस जहां पे आप देख रहे हो उसके नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है. ओके राइट, करेक्ट आपका बिल्कुल यहाँ पे ल्यूसी मीटर जो आंसर दे रहे हैं, ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सियानोमीटर कलर वगैरह से रिलेटेड होता है. बैरोमीटर आपका प्रेशर, बैरोमीटर तो अच्छा ऑप्शन में है आपका डी, ये प्रेशर के लिए होता है. यहाँ पे ए सियानोमीटर जो है वो आपका सॉरी ल्यूसी मीटर जो है, ए जो लिखा हुआ है आपका ल्यूसी मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा. तो ए ल्यूसी मीटर करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेश चौधरी, बिल्कुल ए बैरोमीटर. बैरोमीटर कैसे रहता है, मतलब आप लोग का फिजिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो जरा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ थोड़ा थोड़ा इसी तरीके के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे बायो का क्वेश्चन है आपका. साइंटिफिक नेम आपको सारे के सारे रटने हैं लिटरली, और आपको ये 9th और 10th वाले लेवल के नहीं लर्न करने हैं. वीट का आपसे कोई नहीं पूछेगा लैब असिस्टेंट में, ना तो कोई आपका इसमें राइस का, ह्यूमंस का, टाइगर का, लाइन का, इनका पूछ रहे. अब आपको कुछ अलग तरीके के पूछे जाएंगे, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा आंसर. पहला देखिए क्वेश्चन आपका, एक्रस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है. एक्रस सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है. जल्दी से, आपको अभी नॉर्मल वाले नहीं याद रखने हैं, वीट राइस और ये सारे, मेज और ह्यूमंस, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा. तो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल देखो मैं आपको पहले नॉर्मल से फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के जो क्वेश्चन होते रहा, क्योंकि अभी आपका लेवल नहीं है उसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए आपका फिजिक्स वाला एकदम ट्रेडिशनल पार्ट लाने के लिए, तो पहले अपन थोड़ा बेसिक पार्ट कंप्लीट करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, तब थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, क्योंकि लैब असिस्टेंट में अभी काफ़ी टाइम है आपके एग्जाम को लेके. ओके राइट, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो सेपोडिला होगा. चीकू जो लिखा हुआ है तो वो आपका बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुना होगा आपने, आई अग्री, लेकिन आपको लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं ना. तो एक्रस सपोटा चीकू जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे. और चीकू ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है. डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको चीकू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. जिन लोगों को डाइटिंग करना है, पतला होना है, उनको चीकू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. लेकिन एज एन होल चीकू हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. अगर आप कैलोरीज जो है वो अपना थोड़ा सा हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो चीकू जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हो रहता है. अच्छा, तो चीकू जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा. सेपोडिला डी जो है वो करेक्ट आंसर है. अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे,
मीनाक्षी बी एंड सी नहीं है तो मतलब आपको गुलमोहर और टैमरिंड का पता है. ओके राइट शाहरुख खान. अच्छा देखो आंसर ना टिक नहीं हो सकता है क्योंकि द आंसर क्वेश्चन जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं वो मुझे भी नहीं दिखा रहे थे. इट्स नॉट पॉसिबल टू टिक है ना, तो इसीलिए मैं आपको आंसर वर्बली यहाँ पे बता रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे. प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन किस चीज़ में रिजल्ट करती है? तो मेरे ख्याल ये आंसर तो आपको समझ आएगा, ईजी है यहाँ पे. कुलदीप बिल्कुल सेपोडेला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. चीकू क्या है? चीकू नहीं पता है आपको? फ्रूट होता है चीकू. ओके क्वेशियोर्कर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है क्वेशियोर्कर. प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दो डिजीज होती है, एक तो होता है क्वेशियोर्कर और दूसरा रहता है यहाँ पे मरास्मस. तो क्वेशियोर्कर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है राधे बिल्कुल क्वेशियोर्कर. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन. आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो डिजीज वगैरह पार्ट जो है वो जल्दी से रिवाइज करते हैं बायो का ताकि आगे अपन बढ़ सके यहाँ पे. तो शेखर बिल्कुल क्वेशियोर्कर. अरे भाई चीकू फ्रूट होता है, नहीं पता है आप लोगों को? ऐसे बिहेव कर रहे हो कि बिल्कुल ही छोटे बच्चे हो. ओके देखिए यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेशियोर्कर, वैसे ही आयोडीन की कमी से अगर हम बात करते हैं तो क्या रहता है? गोइटर. तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो हमारा थायरॉक्सिन होता है जो नेक में अवेलेबल होता है, इसके अंदर जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, अगर आप आयोडीन की कमी से मतलब आयोडीन युक्त खाना नहीं खा रहे हो, आपके भोजन में नमक की कमी है और उसमें आयोडीन की कमी है, तो थायरॉक्सिन सूज जाता है, फूल जाता है. तो यहाँ पे बन जाता है, एक ऐड आता था टीवी में कि आयोडीन की कमी से घेंगा हो सकता है. तो ये गोइटर जो है वो आपका घेंगा ही बोला जाता है हिंदी में. तो ये रिलेट करता है आपका थायराइड ग्लैंड की सूजन के साथ, स्वेलिंग. ठीक है चंद्रा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका गोइटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका. कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ पे होती है? वेयर इज द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म इन सेल टेक प्लेस? आपके शरीर में किस सेल में या कौन सी कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो हम इसका लेवल थोड़ा सा राइज करेंगे, थोड़ा सा लेवल को आप लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो है वो कर लेते हैं. जैसे फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग में से शायद मैक्सिमम, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके सारे फिजिक्स के आंसर जो है वो ठीक होंगे. तो इसी तरीके के पहले अपन क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है ओके राइट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है. हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है. स्केलेटल को अगर हम हटा भी देते हैं तो बाकी के चार मैंने जो आपके नाम लिए, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, ये चार चीज़ें जो है ना वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म फैक्टर बनाते हैं यहाँ पे. तो उसी को हम उपापचय की क्रिया कहते हैं. ठीक है अगर हमारे शरीर में अगर आप डाइजेशन करते हो, खाना खाते हो, तो अपशोषित होता है आपका, एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद आपकी बॉडी की हर एक कोशिका को ये दिया जाता है, जहाँ पे जाके आपका माइटोकॉन्ड्रिया उसी सिंपल फूड को, मतलब सिंपल जो फूड है उसको कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, दी एटीपी. ठीक है एटीपी. तो एटीपी हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हम क्यों खा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, एटीपी फाइनली आपके शरीर में फॉर्म होना चाहिए. तो उसी को हम मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं. तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी. बिल्कुल मैक्सिमम लोग माइटोकॉन्ड्रिया आंसर करने लग रहे हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे. टैमरिंड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट? टैमरिंड इंडिका होता है पूरा. ठीक है टैमरिंड इंडिका, टैमरिंड इंडिका जो है वो किसका नाम होता है साइंटिफिक नेम? तो एक जो है डिफिकल्ट वाला किया है तो एक इजी वाला भी कर लेते हैं.
टैमरिंड इंडिका किसका साइंटिफिक नेम होता है? हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में वह थोड़ी गड़बड़ है, तो आप इंग्लिश में ही देखिए टैमरिंड, हिंदी में ही देखिए टैमरिंड इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आशीष चौधरी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ज्योति बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बेसिक सी साइंस के जो, जैसे बाकी आपकी आरपीएफ में पूरा जीके तो चल ही रहे, लेकिन बेसिक साइंस वाला जो पार्ट है ना एक तरीके से, तो वो अपन ना यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि छोटी छोटी साइंस की जो कन्फ्यूजन वाले जो चीज़ें रह जाती है ना उनमें किसी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मीनाक्षी जारिया बिल्कुल, आपका यहाँ पे इमली जो है वो करेक्ट आंसर है, टैमरिंड जो है वो करेक्ट आंसर है, और इसके नाम से आपको पता लग रहा है टैमरिंड इंडिका जो है वो इमली का करेक्ट नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करती है? इसकी प्लेलिस्ट आपकी अभी मिलेगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इसमें लैब असिस्टेंट करके प्लेलिस्ट है, उधर में आप देख सकते हो। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है, या फिर अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो किस पे काम करती है ये? देखो द्रव चलित लिखा है तो एक ही है यहाँ पे, आर्किमिडीज नहीं आंसर करना है, आर्किमिडीज आप लोग आंसर करे हो, आर्किमिडीज नहीं आंसर करना है यहाँ पे। क्लास है क्या इधर? न्यूटन बिल्कुल भी नहीं, आर्किमिडीज बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो आर्किमिडीज राधे परमार बिल्कुल, पास्कल जो है वो करेक्ट आंसर है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज पास्कल, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला तो पास्कल यहाँ पे। अगर एक सिंपल टर्म्स में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दो चीज़ों के लिए काम आता है, कोई भी चीज़ अगर, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या कि किसी भी चीज़ को अगर पानी के अंदर डाला जाता है तो वो अपने शरीर के वॉल्यूम के बराबर, आई रिपीट माई वर्ड वॉल्यूम, ठीक है, अपने शरीर की वॉल्यूम के बराबर का पानी को या तो उसकी हाइट बढ़ा देता है, या भरे ग्लास में आप कुछ आइस क्यूब डालोगे तो पानी निकल के बाहर आ जाएगा। कितना पानी निकल के बाहर आ जाएगा? जितना बर्फ उसकी जगह ले रही है ना, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समुद्र में जो नाव बनाई जाती है, बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं, सबमरीन्स जो बनाए जाते हैं, उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेट किया जाता है, उसी सिद्धांत पे बनाई जाती है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की डेंसिटी पता लगानी है कि भाई सोने की डेंसिटी क्या है, चांदी की डेंसिटी क्या है, प्लैटिनम, तो जितने भी धातु हैं ना उनकी डेंसिटी घनत्व पता करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आंसर बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपका। अगर यहाँ पे अभी हम पास्कल लॉ की बात करते हैं, तो पास्कल लॉ जो है वो क्या रहता है कि ये जो आपका प्रिंसिपल है ये फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड है, जहाँ पे एक इनफाइनाइट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेशर जो है वो कहीं पे भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से, जैसे क्लोज्ड कंटेनर की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी जगह पे आपका प्रेशर जो है वो चेंज हो सकता है, अगर हम फ्लूइड से रिलेटेड इसकी बात करते हैं तो। हाइड्रोलिक लिफ्ट या द्रव चलित लिफ्ट आपको पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है ना वो पास्कल रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल? बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है? बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है पास्कल को, पास्कल लॉ जो है ना वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया है यहाँ पे इससे रिलेटेड, जब भी आपको इलेक्ट्रिक, दो चीज़ें हैं देखो इससे रिलेटेड, एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, एक आपका होता है डायनमो, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर और डायनमो दो चीज़ें हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एसी करंट और डीसी करंट पढ़ा जाता है, अल्टरनेट करंट और डीसी करंट, तो मोटर को एज एन एग्जांपल हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मोटर लिखा है ना,
तो ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल रहा है, सिंपल जो इसका क्वेश्चन है उसी का इसका आंसर बन गया, इलेक्ट्रिक मोटर में इसको बदल रहा है। डायनमो जब हम बोलते हैं तो डायनमो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो आप मेरे को जल्दी से एग्जाम्पल बताइए, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है? इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको बनानी है मैकेनिकल मेथड से, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है? बिल्कुल आपका रेलवे आरपीएफ का जो एसआई कांस्टेबल का जो एनालिसिस है वो 6:30 होने वाला है आज ही की क्लास में, 6:30, ठीक है, मतलब आज ही के दिन में। बिल्कुल डायनमो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है, पर मैं आपसे एग्जांपल पूछ रही हूँ कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल अगर बदलना है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? आर्मेचर, बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं जनरेटर, बिल्कुल अजय बोरा, बिल्कुल यहाँ पे जनरेटर जो है वो आपका टर्बाइन, बिल्कुल राधे, टर्बाइन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर को इस्तेमाल करते हैं, टर्बाइन हो गया, जनरेटर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको याद रखने हैं क्योंकि अभी इससे हटके थोड़ा सा आगे जाएगा क्वेश्चन। ओके राइट गाइस, देखिए यहाँ पे ये क्लास आपकी 30 मिनट्स की ही होती है, तो अभी इसका आज ही सिर्फ टाइम चेंज हुआ था 5:30, बाकी डेली ये क्लास जो है वो 5 बजे होती है, 5 से 5:30, ठीक है। अभी 5:30 पे नहीं, कितने बजे, 6:30 बजे ना आपका आरपीएफ का एसआई कांस्टेबल का एनालिसिस है जीके का, तो वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बाकी कल इसी क्लास को हम इसी तरीके से इन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स और बायो अभी रखते हैं कुछ दिन तक, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपन केमिस्ट्री कर रहे थे, तो अभी इसको बायो रखते हैं, फिजिक्स और बायो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे इसको आपको लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कल मिलेंगे 5 बजे इसी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।